बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं, जो कि लोकसभा चुनाव से जुड़ी हुई खबर है और कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच जो गठबंधन की बातें सामने आ रही है, सीट शेयरिंग को लेकर के जो फॉर्मूला तय होना है, उससे जुड़ी हुई इस वक्त की यह बड़ी खबर कि मध्य प्रदेश की खजुराहो लोकसभा सीट समाजवादी पार्टी को कांग्रेस देने पर सहमत हो गई है। तो 29 लोकसभा सीटें हैं, उनमें से खजुराहो की जो लोकसभा की सीट है वो समाजवादी पार्टी के खाते में गई है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीट शेयरिंग को लेकर के लगातार बातचीत हो रही है और देखिए अखिलेश यादव भी इसको लेकर के कह चुके हैं और आज ही उन्होंने कहा कि अंत भला तो सब भला। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन होकर रहेगा। हालांकि इसको लेकर के उत्तर प्रदेश में लगातार अटकलें लगाई जा रही कि उत्तर प्रदेश में कौन किस तरह सीटें देंगे, लेकिन इस बात से साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि अगर मध्य प्रदेश की एक सीट जो है वो समाजवादी पार्टी के खाते में आई है तो फिर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच उत्तर प्रदेश में भी सीट शेयरिंग का फॉर्मूला जो है वो काफी हेल्दी रहने वाला है और आपसी सहमति एक तरीके से शायद वहां पर भी बन रही है, क्योंकि मध्य प्रदेश की 29 में से एक लोकसभा सीट जो कि खजुराहो है वहां पर समाजवादी पार्टी अपना उम्मीदवार उतारेगी। इंडिया जो गठबंधन है उसके तहत ये सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो रहा है और देखिए आम आदमी पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, आरजेडी हो या फिर दूसरे विपक्षी दल चाहे वो टीएमसी या कांग्रेस, सभी आपस में सीट शेयरिंग के फॉर्मूले को तय कर रहे हैं। हालांकि मनमुटाव की खबरें भी सामने आ रही हैं, बिखराव की खबरें भी सामने आ रही हैं, लेकिन इन सब के बीच बातचीत भी लगातार हो रही है, सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो रहा है और लोकसभा के सीटों से जुड़ा हुआ इस वक्त का यह सबसे बड़ा अपडेट है कि समाजवादी पार्टी खजुराहो से अपना उम्मीदवार उतारेगी। और मध्य प्रदेश में एक सीट खजुराहो पर समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार होंगे, बाकी सभी सीटों पर जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस उम्मीदवार तय करेगी उनको समाजवादी पार्टी के हम सब लोग जिताकर भारत की लोकसभा में भेजेंगे। और देखिए विनोद शर्मा मेरे साथ, मेरे सहयोगी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ा है। विनोद, देखिए इसको किस तरह का संकेत माने, क्योंकि बिखराव की खबरें, मनमुटाव की खबरें लगातार आ रही थी, लेकिन आज अखिलेश यादव कह रहे थे कि हमारे बीच गठबंधन होगा और सीट शेयरिंग पर फाइनल मोहर लग जाएगी और यह दिखाई दे रहा है कि अगर मध्य प्रदेश की एक सीट मिल रही है तो उत्तर प्रदेश में भी हेल्दी कहीं ना कहीं सीट शेयरिंग होगा। खजुराहो में क्या असर पड़ेगा? बिल्कुल, देखिए एक बड़ी समीकरण की बात कर रहे हैं समाजवादी पार्टी के नेता, क्योंकि जिस के बीच में नाराजगी जताई थी कमलनाथ के एक बयान को लेकर और उन्होंने विधानसभा में किसी प्रकार का कोई समझौता की बात छोड़ दी थी, लोकसभा में भी ऐसी कोई बात नहीं बन पा रही थी। अब चूंकि खजुराहो की सीट पर अगर इस तरह का समझौता हुआ है तो वाकई में ये उत्तर प्रदेश और देश की अन्य सीटों के लिए भी कांग्रेस के लिए एक बड़ा समझौता माना जाएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का अभी कोई इतना बड़ा जनाधार नहीं है। सपा अगर सपोर्ट करती है तो निश्चित तौर पर कांग्रेस को वहां एक दम मिलेगा। ठीक है, लेकिन अगर खजुराहो सीट के समीकरण की बात करें तो क्या नजर आता है अभी और फिर लोकसभा चुनाव में कैसी टक्कर दिखेगी? देखिए खजुराहो की अगर हम बात करते हैं तो देखिए भारतीय जनता पार्टी की सीट लंबे समय से रही है, पहले उमा भारती वहां से चुनाव जीतती रही, बाद में बीडी शर्मा रिकॉर्ड वोटों से लोकसभा का चुनाव जीते, 5.5 लाख से ज्यादा उनकी जीत हुई, तो एक तरह से जो जीत हुई है वो इशारा तो ये करता है कि वहां बीजेपी काफी मजबूत है। ऐसे में समाजवादी पार्टी का उस सीट पर चुनाव लड़ना समाजवादी पार्टी को कितना फायदा देता है ये तो देखने वाली बात होगी। ठीक है, मैं आ रहा हूँ आपके पास विरोध, इस बीच हमारे ब्यूरो चीफ संदीप भमरकर भी फोन लाइन के जरिए मेरे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप, खजुराहो से समाजवादी पार्टी को टिकट मिलेगा, ये कितना बड़ा आपस में इंडी गठबंधन के बीच जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो रहा है उसको लेकर के क्या संकेत और खजुराहो पर क्या समीकरण बनेंगे? देखिए खजुराहो सीट की हम बात करें तो यहाँ पर 89 के बाद में बीजेपी को ही हमेशा जीत मिलती रही है, कांग्रेस यहाँ कभी नहीं रही है। समाजवादी पार्टी ने यहाँ चुनाव जीता, चुनाव लड़ा जरूर है लेकिन कभी जीत नहीं सकी है। लेकिन बीते विधानसभा चुनाव की हम बात करें तो इस संसदीय क्षेत्र की अधिकांश लोकसभा सीट पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों को अच्छे खासे वोट मिले थे, कई जगह दूसरे स्थान पर रहे हैं इस सीट पर समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार, यानी समाजवादी पार्टी का अपना एक वोट बैंक यहाँ पर नजर आता है और ये वो सीट है जो यूपी से बिल्कुल सटी हुई है। और खजुराहो सीट पर समाजवादी पार्टी ने काफी पहले से तैयारी शुरू कर दी थी, अखिलेश यादव ने तो ये भी कहा था कि
इस सीट को लेकर, इस सीट पर हम विशेष तैयारी कर रहे हैं और यहाँ पर मध्य प्रदेश का एक उप कार्यालय भी खोल रहा है। खजुराहो में ही समाजवादी पार्टी का कार्यालय है और वहाँ पर अखिलेश यादव आना जाना करेंगे और समाजवादी पार्टी का दिग्गज भी आना जाना करेंगे। यानी इस सीट को लेकर जो समाजवादी पार्टी की तैयारी थी काफी पहले थी, समाजवादी पार्टी के विधानसभा के उम्मीदवारों की अच्छी परफॉर्मेंस की बदौलत थी यहाँ पर ये देखा जाने लगा कि समाजवादी पार्टी का एक वोट बैंक यहाँ पर है। नहीं, लेकिन संदीप देखिए इन सब के बीच बात यह है कि विधानसभा चुनाव के नतीजे जो होते हैं बिल्कुल अलग, लोकसभा चुनाव के समीकरण अलग होते हैं। अगर हम मध्य प्रदेश में देखें तो बीजेपी का वोट प्रतिशत भी बढ़ रहा है और सिर्फ एक सीट जहां पर बीजेपी की सीट नहीं है छिंदवाड़ा, वहां पर भी वोट परसेंटेज जो है वो बढ़ रहा है, जीत का मार्जिन लगातार कांग्रेस का घट रहा है। ऐसे में खजुराहो की सीट समाजवादी पार्टी को अगर गई है तो क्या समीकरण कुछ फर्क हो सकते हैं, कुछ पॉजिटिव संकेत मिल सकते हैं इंडी गठबंधन को? समाजवादी पार्टी को गई है इसका मतलब यह है कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी यहाँ पर मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, दोनों का वोट बैंक एक होगा। तो शायद ये कोशिश होगी कि बीजेपी का बढ़ता हुआ वोट बैंक है इसको नियंत्रण करने के लिए, इसको रोक लगाने के लिए दोनों ही पार्टियां एक साथ चुनाव मैदान में उतरे। यदि दोनों की ताकत लगेगी तो शायद यहाँ पर जो बहुत मजबूत स्थिति में बीजेपी है वो कुछ हद तक उसको उसके करीब पहुंचने तक या उसका मुकाबला करने के लायक बन सके। तो ये दोनों की जो गठबंधन है, ये जो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस, इन दोनों का चुनाव एक साथ में चुनाव लड़ना ये जरूर कह सकते हैं कि मिलके बीजेपी के मुकाबले होने की कोशिश जरूर की जा रही है। देखिए एक बड़ा अलायंस बनाने की कोशिश, लेकिन इन्हीं सबके बीच बिखराव की, मनमुटाव की भी खबरें सामने आती रही। लेकिन आज अखिलेश यादव ने एक बड़ा संकेत दे दिया था, कहा था कि अंत भला तो सब भला और हमारा गठबंधन होकर रहेगा। मध्य प्रदेश में यह सीट शेयरिंग का फॉर्मूला, तो इसका मतलब है कि कम से कम उत्तर प्रदेश में भी काफी हेल्दी जो है सीट शेयरिंग नजर आएगी शायद, और इसका असर, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो सीट शेयरिंग होगी उससे जो नतीजे आएंगे वो बहुत बड़ा इंपैक्ट डालेंगे लोकसभा चुनाव पर। देखिए मध्य प्रदेश के इतिहास में तो ये देखें कि कभी इस तरह का गठबंधन तो इससे पहले देखने को नहीं मिला है। ये मध्य प्रदेश की सियासत में पहली बार गठबंधन के तौर पर पार्टियों का एक साथ में चुनाव लड़ने का तजुर्बा अब देखने को मिलेगा। ये कितना प्रेम प्यार स्नेह और मिलकर चुनाव लड़ने की रणनीति जमीन पर उतर पाएगी और सफल हो पाएगी ये अभी भविष्य की बात है, क्योंकि तजुर्बा ही पहली बार हो रहा है। मिलकर चुनाव लड़ना ये अभी तक देखा ही नहीं गया है। अभी तक ये समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के उम्मीदवार लगातार एक दूसरे के खिलाफ में चुनाव लड़ते आ रहे हैं, और आमतौर पर समाजवादी पार्टी के जो उम्मीदवार होते हैं वो ये कांग्रेस और भाजपा के ही वो नेता होते हैं जो अपनी दल पर टिकट ना मिल पाने के कारण समाजवादी पार्टी जाते हैं। और समाजवादी पार्टी का जो डेडिकेटेड वोट बैंक है उसका फायदा और प्लस उम्मीदवार का फायदा मिलकर समाजवादी पार्टियां मजबूत होती थी। लेकिन क्या यही फॉर्मूला, क्या समाजवादी पार्टी का वोट बैंक और कांग्रेस का वोट बैंक मिलकर भाजपा का मुकाबला कर पाएंगे, ये एक बहुत भविष्य की बात है। लेकिन रणनीतिक तौर पर ये एक बात हो सकती है कि गठबंधन का असर जमीन पर हो रहा है। कांग्रेस ने एक सीट अपनी बलिदान दी है समाजवादी पार्टी को, और कांग्रेस पहली बार किसी को सीट देकर मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ रही है, और मध्य प्रदेश में यदि ऐसा हुआ है तो उसका फायदा यूपी में भी हो सकता है। यूपी में जिन सीटों पर कांग्रेस को चुनाव लड़ना है शायद वहां पर समाजवादी पार्टी अपने हथियार डाले और कांग्रेस के साथ चुनाव लड़ने को तैयार हो जाए। तो गठबंधन की आपसी रणनीति और मन और को बनाने के लिए संदीप ये पहल, जब हम समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को देखते हैं तो फिर इन सब के बीच में आम आदमी पार्टी का भी जिक्र जरूर आता है, क्योंकि देखिए विधानसभा चुनाव में हमने देखा अलग अलग लड़े और वोट का बंटवारा हुआ और हमको मालूम है कि अच्छे खासे वोट प्रतिशत के बावजूद सरकार नहीं बना पाई है कांग्रेस। क्या लोकसभा चुनाव में जो सीट शेयरिंग हो रहा है आम आदमी पार्टी की भी कोई भूमिका रहेगी यहां पर, या फिर उसको सिर्फ सपोर्ट करना होगा पीछे, या फिर वो अपना अलग रास्ता अख्तियार कर सकती है? देखिए आम आदमी पार्टी जिस तरह की जिद पंजाब और दिल्ली को लेकर कर सकती है, उस तरह की जिद मध्य प्रदेश में करना उसके लिए मुश्किल होगा, क्योंकि मध्य प्रदेश में वो वैसा परफॉर्म नहीं कर पाई है जैसा कि उम्मीद की जा रही थी। उसके जो सबसे प्रमुख उम्मीदवार जो सिंगरौली के मेयर भी हैं वो भी दूसरे तीसरे स्थान पर रही हैं, वो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पाई। तो मध्य प्रदेश में अगर कुछ करना है तो उस आम आदमी पार्टी के लिए मुश्किल भरी बात होगी, क्योंकि समाजवादी पार्टी का अपना वोट बैंक है, उसने अपने उम्मीदवार खड़े किए थे और कई जगहों पर जीत की स्थिति में आए, बहुत मार्जिनल वोट से हारे हैं समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार, कांग्रेस से ज्यादा वोट हासिल किए हैं। तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का अलायंस यहाँ पर फायदेमंद होता तो दिख सकता है, लेकिन आम आदमी पार्टी को यहाँ पर मांगना भी
बहुत मुश्किल बात होगी क्योंकि यहाँ पर चलिए अब लेकिन इन सबके बीच ये देखना होगा भले जो है इस वक्त साथ में चुनाव लड़ने की बात और खजुराहो में सीट मिलने की बात सामने आई हो लेकिन क्या इससे खजुराहो की सीट निकाल पाना कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लिए आसान होगा ये तो भविष्य के गर्त में छिपा हुआ आप नजर बना रखिएगा आगे भी आपसे अपडेट के लिए जुड़ेंगे फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया आपका संदीप।